नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आगामी 7 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए कर्मचारियों ने कसी कमर। रोडवेज परिसर में गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ जताया रोष। 7 अगस्त को चक्का जाम के लिए बनाई रणनीति। नए रोड सेफ्टी बिल का किया जा रहा है विरोध। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। आगामी 7 अगस्त को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम सफल बनाने के लिए रोडवेज कर्मचारियों द्वारा गेट मीटिंग कर का आयोजन किया गया। गेट मीटिंग में सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया और एक स्वर में आवाज़ उठाई कि संशोधित नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू ना किया जाए। साथ ही उन्होंने ठेका प्रथा के लिए पूर्ण रूप से बंद करने की भी मांग उठाई। कर्मचारी नेता सरबत पुनिया ने कहा कि सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को चक्का जाम जो कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसके लिए पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा चुकी है और उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को समान काम समान वेतन ठेका प्रथा बंद करने व खाली पदों को स्थायी नियुक्ति करने की मांग उठाई है। देख रहे पल पल की ये खास। 7 अगस्त की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी में पूरे 4 जीप जत्थे पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। हड़ताल की तैयारी अंतिम चरण में है और 7 अगस्त की जो हड़ताल है उसके जो मुख्य मुद्दे हैं, हरियाणा सरकार 700 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत ठेके पर लेना चाहती है, ये इसका विरोध रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं, ये प्रमुख मुद्दा है। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है कि केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधित करने जा रही है। अगर ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 संशोधित हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा में वो पेश करना चाहते हैं और पास करवाना चाहते हैं। अगर ये बिल पास होगा तो पूरे देश के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र परिवहन समाप्त हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। अगर सरकारी परिवहन क्षेत्र समाप्त हो जाएगा तो रोजगार जो है सरकारी वो ख़त्म हो जाएगा, रोजगार के अवसर ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा हम कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से, हमारी ये मांग है कि डीजल और पेट्रोल को GST के दायरे में लाया जाए, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए, टोल टैक्स समाप्त किए जाएं और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, नई पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए। और लंबे समय से हरियाणा सरकार से हम कहना चाहते हैं कर्मशाला सहित 6,000 से ज़्यादा खाली पद पड़े हैं, स्थायी भर्ती की जाए और लंबित काम मांगे हैं उनका समाधान किया जाए।